एक हुआ करते थे अकबर अली। इन हजरत के बारे में अब ये तो नहीं कह सकते कि ये अल्मोड़ा शहर की एक विभूति थे, शान थे, कोई ऊंची हस्ती थे, लेकिन कुछ तो थे, एक चरित्र तो थे ही जिनका जिक्र आज भी प्रसंगवश गाही बगाही लोगों की जुबान पर आ ही जाता है। अकबर अली अभी 2-4 बरस पहले तक बाहियात थे, ज्यादा वक्त नहीं बीता उन्हें गुजरे। कचहरी बाजार में पाए जाते थे और अकबर अली नहीं बल्कि अक्कू या अक्कू मियाँ के नाम से जाने जाते थे। उलझे बाल, खिचड़ी दाढ़ी, भेंगी आंखें, दुबली पतली काया और उस पर लटके हुए काम चलाऊ कपड़े, न रहने की कोई जगह, न कोई स्थायी रोजगार, बीवी ना बच्चा, अकेली जान, दिमाग में लेकिन खुराफाते बेशुमार। अकबर अली के कई रूप थे, मूल रूप से शायद वो मोची थे और सामने वाले की जरूरत के हिसाब से रूप धरने की अद्भुत क्षमता थी उनमें। तांत्रिक, नजूमी, वैद्य, गवाह, जमानती, कुछ भी। बताने वाले बताते हैं कि एक बार उन्हें दशहरे की जुलूस में पंडित बनकर आरती की थाली लेकर चलते हुए भी देखा गया। पंडित जी की थाली में पैसे चढ़ाती और आशीर्वाद लेती महिलाओं को अक्कू मियाँ के ही मोहल्ले बिरादरी के लड़के मियाँ को चढ़ाने की गरज से सावधान कर रहे थे। चाची तमो सही छ मु सही। अकबर अली ने उन लड़कों को एक आंख घूर कर कहा, चुब्बे हाँ, बता रिया हूँ, भांजी मत मार। मोची के रूप में अकबर अली के कई किस्से मशहूर हैं। एक बार किसी आर्मी अफसर का जूता मरम्मत के लिए अक्कू मियाँ के पास आया। वे कई दिन तक सिपाहियों को आज कल कहकर टालते रहे, लेकिन आखिर ऐसा कब तक करते। एक दिन 2-3 जवान वसूली वाले मूड में सामने आकर खड़े हो गए कि साहब का जूता दो। उस दिन जवान टाले न टले। अकबर अली ने कहा, अच्छा रुको लाता हूँ, घर में रखा है हिफाजत से, और वो सामने की गली में समा गए। वहीं किसी खंडर में उन दिनों रह रहे थे। बड़ी देर हो गई, अकबर अली लौट कर नहीं आए। जवान पूछते हुए गली में घुसे और जरा देर बार भागते हुए वापस आ गए, चेहरे बदहवास। उन्होंने बताया कि शू मेकर पत्थरों में दबकर मर गया है और तेज कदमों से कैंट की ओर चले गए। अकबर अली जैसे जीव इतनी आसानी से कहां मरते हैं। अकबर अली ने अपने कपड़ों में यहां वहां लाल पेंट पोता, कुछ जमीन में गिराया और एक बड़ी सी पटाल छाती में रखकर बेसुध लेट गए, जैसे कि वे चाह रहे थे, जवानों ने सोचा, पुराने मकान की ढीली पटाल अचानक गिर जाने से मोची मर गया। पुलिस, गवाही, पेशी, पूछताछ, 36 झंझट और ऊपर से आर्मी की नौकरी, भाड़ में गया जूता, भागो। ब्रिगेडियर साहब का जूता दरअसल अकबर अली बहुत पहले किसी को बेच चुके थे। ऐसे में मरने के अलावा चारा ही क्या बचता है। तब तनख्वाह आज जितनी ऊंची नहीं हुआ करती थी। ज्यादातर परिवारों में एक ही आदमी कमाने वाला हुआ करता था। महिलाओं में नौकरी का चलन कम था। कपड़ों में पैबंद होना और एक ही जूते को सालों साल सी कर पहनना आम बात थी। आम आदमी रुपए पैसों की तंगी की वजह से सस्ते के जुगाड़ में रहता था। ऐसे में मोचियों द्वारा बनाए गए सस्ते जूते खरीदकर लोग काम चला लिया करते थे। एक दिन अकबर अली से एक सज्जन सेकंड हैंड जूता खरीदने गए। जूता हर हिसाब से ठीक लग रहा था। दाम के हिसाब से 1-8 साल भी चल गया तो पैसे वसूल। घर पहुंचे तो पता चला कि अक्कू ने मियाँ की जूती मियाँ के सर दे मारी थी। वो जूता उनके छोटे भाई का था जो कई दिनों से सिलाई के लिए अक्कू के पास पड़ा था। कचहरी की सीढ़ियों के पास ही एक कोने में अकबर अली जूता मरम्मत का सामान लिए बैठा करते थे। वहीं बैठे बैठे लोगों की जरूरतों का सुराग लगता था, फिर उसी के हिसाब से समाधान भी सोचा जाता और रूप धरा जाता। अब रोज तो ब्रिगेडियर का जूता मरम्मत को आता नहीं, न ही आप रोज मर सकते हैं, तो लाजमी है कि वहां यहाँ हाथ भी आजमाया जाए। एक बार की बात है, कचहरी के किन्हीं साहब का जूता अकबर अली के पास सिलाई पॉलिश के लिए आया। हस्बे आदत कुछ दिनों तक टालम टोल चलती रही। आखिर एक दिन साहब ने अर्दली भेजकर अकबर अली को दफ्तर में तलब कर ही लिया। जिसके पास अर्दली हो वो कोई बड़ा ही हाकिम रहा होगा। उस पर मामला पड़ोस का जाना ही पड़ा। अकबर अली जो ही साहब के सामने गए, साहब ने उन्हें ये कहकर लौटा दिया कि जाओ जाओ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अर्दली हैरान। अब ये राज तो बाद में खुला कि साहब अकबर अली के पैरों में अपना जूता देखते ही पहचान गए थे। एक दफे अकबर अली झूठी गवाही या ऐसी ही किसी वजह से जेल चले गए। कई दिन गुजर गए, फिर मोहल्ले वालों ने सोचा, चलो यार काफी हो गया, अकेला गरीब आदमी भला कौन इसकी जमानत करवाएगा, कुछ किया जाए। ईद या बकरीद भी शायद नजदीक ही थी। पड़ोस में कचहरी होने की वजह से वकील, सरकारी वकील और पेशकार साहिबान से रोज की दुआ सलाम। कुछ लोगों ने जाकर बात की, जुगाड़ लगाया और अकबर अली बाहर आ गए।
मोहल्ले में पहुंचकर आपने फरमाया कि आजकल लोगों को किसी का आराम से खाना पीना देखा नहीं जाता। वहां आराम से रह रिया था, खा पी रिया था, हरामियों ने बाहर निकलवा दिया। अकबर अली का गुस्सा एकदम वाजिब था, 100% जायज था। वे जेल में अक्कू बाबा के नाम से मशहूर हो चुके थे। उन्होंने जेल में रहते हुए जेलर को ताबीज पहना दिया था और कुछ सुविधाएं अपने लिए जुटा ली थी। कई कैदी तो उनके मुरीद हो चुके थे। बाबा जी ने अपनी ज्योतिष विद्या और टोने टोटकों से कईयों की जमानत करवा दी थी। जो कैदी बाहर जाता वो अपने खाने पीने का सामान और जो थोड़ा रुपया पैसा होता वो बाबा जी को अर्पित कर जाता, चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेता। सब बढ़िया चल रहा था कि तभी एक दिन बाबा जी की खुद की जमानत हो गई। जेल दरगाह होते होते रह गई। एक बार मोहल्ले वालों ने देखा कि अकबर अली फौजी जिप्सी में शान से बैठे चले आ रहे हैं। बाहां खिड़की में टिकी है और सर बाहर निकला है ताकि सब ठीक से देख लें कि हाँ अकबर अली ही हैं, और लोगों में धाक जमे और रुतबा बढ़े। इस बार उन्होंने किसी आर्मी अफसर को न जाने क्या पट्टी पढ़ा दी कि उसने उन्हें अपने क्वार्टर पर बुलवा लिया। गए तो अक्कू मियां चल गए, लेकिन लौटे हरी जिप्सी में। वैसे अकबर अली ने एक बार मेरी नजरों के सामने मेरे बाप को ही ठग लिया। मेरे पिता न जाने उन्हें कहां टकरा गए कि एक सुबह अक्कू मियां घर आ पहुंचे। वे अपने साथ मिट्टी के साथ दिए लेकर आए थे। उन्होंने पिता को सामने बिठाकर उनके गले में अपने गले से निकालकर माला डाल दी। एक परात में थोड़ा आटा, खाने का तेल, रुई और गीली धूप की मांग की। उन्होंने 7 लोइयां बनाकर उन पर आटा गूंथना शुरू किया, फिर 7 लोइयां बनाकर उन पर दिए जला दिए। साथ में जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू चलता रहा। फिर दिए एक ओर रख दिए और लोइयों को आपस में मिलाकर गूंथा जाने लगा। मैं ये सब तमाशा देख रहा था और मन ही मन कुड़ रहा था, लेकिन कुछ भी कर या कह नहीं सकता था क्योंकि मुझ पर पहले ही कई इल्जाम थे। महत्वपूर्ण काम बिगाड़ने का एक और आरोप अपने सर मैं नहीं ले सकता था। आटा गूंथते अकबर अली अचानक मेरी ओर मुखातिब हुए। यार थोड़ा थोड़ा चाय बना, ठंड काफी है। जो ही मैं चाय का पानी चढ़ाने को पलटा कि अकबर अली को कहते सुना, देखा ये देखो किसी ने कर कराकर तुम्हारे पुश्तैनी घर में ये गाढ़ रखा है। उन्होंने आटे में से हड्डी का टुकड़ा और बाल बरामद कर लिए थे। अकबर अली बाल हड्डी में से आटा छुड़ा रहे थे। अकबर अली की ठगी का एक दायरा था, मतलब कि कभी किसी का कोई गंभीर नुकसान नहीं किया, बस 20-50 या हद से हद 100-200। हर आदमी कुछ ना कुछ करता ही है, उन्होंने यही रास्ता पकड़ लिया। जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। सच कहूं तो उन्हें ठग कहने को भी जी नहीं चाहता। आए दिन हजारों करोड़ों के घपलों की खबरों के सामने अकबर अली के कारनामे किसी बच्चे की सी नादानी लगते हैं। अकबर अली को याद करते हुए एक बात मुझे अनायास ही महसूस हुई कि तब हमारी कुवते बर्दाश्त आज के मुकाबले शायद ज्यादा थी, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं अकबर अली अपनी हरकतों के लिए कभी नहीं पिटे। आज आदमी जरा सी बात पर पुलिस बुला लेता है या खुद ही जज बनकर सामने वाले के मुंह पर लात घूंसे से फैसला लिख देता है। तब आदमी थोड़ा बहुत भगचक करके आगे बढ़ जाता था। मसलन दर्जी कभी समय पर कपड़ा सीकर नहीं देता था, लेकिन दर्जी बदला नहीं जाता था। आज अमूमन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर अकबर अली के चंद ही किस्से जुट पाए, उनके किस्से सैकड़ों की तादाद में होंगे। उन्हें अगर इकट्ठा किया जाए तो दास्ताने अकबर अली नाम की मोटी सी किताब बन सकती है। कोई सुनाने वाला मिला तो अक्कू मियाँ की कुछ दास्ताने फिर कभी। सत्याग्रह के इस लेख को लिखा है अल्मोड़ा के वरिष्ठ पत्रकार और व्यंग्यकार शंभू राणा जी ने। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये लेख कैसा लगा, और अन्य कार्यक्रमों के लिए जुड़े रहिए बारहमासा।